जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां नश्तर कलोनी की मसीही आबादी को मसीहा का इंतज़ार। नश्तर कलोनी मसीही आबादी वसीम पार्क सेवरेज के गंदे पानी से भरा पड़ा है। सेवरेज का गंदगी भरा पानी चर्च के सामने खड़ा रहता है, जिससे चर्च में इबादत करने के लिए आने वाले अफराद के कपड़े नापाक हो जाते हैं। अहले इलाका और चर्च इंतजामिया ने कहा है कि अब कोई मसीहा ही है जो हमारी मदद को आएगा, और उन्होंने वजीर अला पंजाब उस्मान बजदार और अपनी सोई हुई मसीही क्यादत से अपील की है कि खुदारा वासा हुकाम को यहाँ बुलाया जाए, ताकि यहाँ निकासी आब को यकीनी बनाते हुए सफाई का काम शुरू करवाया जा सके, ताकि ही बरादरी अपनी इबादत को यकीनी बना सके। जी ये बिल्कुल इस वक्त ये इलाका वसीम पार्क ये चर्च के बिल्कुल सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये किस तरह का हाल हुआ। यहाँ पे बुज़ुर्ग हजरात भी हमारे साथ बैठे हुए, जो कि परेशानी के आलम में 4 से 5 दिन वासा के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, और उनका कहना है कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जैसे कि ये सारे हालात आप देख सकते हैं, बच्चों को यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ, जैसे कि बच्चे देखे किस तरह ऊपर जा रहे हैं। ये इस वक्त लम्हा फिक्रिया है, यहाँ के जो काउंसलर हजरात है, एमपीए, एमएनए, जो कि वोटों के वक्त पर यहाँ पे अपने डेरे जमाए बैठे होते हैं, और इस वक्त यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं।